ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रुझानों का जो अपडेट है आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंदौर में की बात करें तो नोटा को लगभग 18,134 वोट मिले हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं मथुरा से हेमा मालिनी इस वक्त आगे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। बता दें कि मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है और इसका फायदा डिंपल यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझानों के जो आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं। वहीं सीधी बालाघाट और मुरैना से एसपी में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिल गई है। वायनाड से राहुल गांधी 18,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की सभी सीट शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं और वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। खजुराहो से वीडी शर्मा 1,00,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं रुझानों को लेकर। मुंबई दक्षिण मध्य में शिवसेना की नजर आ रही है। ये महाराष्ट्र से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उत्तर पूर्व मुंबई में यूबीटी के संजय दीना पाटिल इस वक्त आगे बढ़त के साथ बढ़ रहे हैं। दक्षिण मुंबई में यूबीटी के अरविंद सावंत आगे हैं। ये महाराष्ट्र में एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर मध्य मुंबई की बात करें तो बीजेपी के उज्ज्वल निकम इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र से आंकड़े सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। उत्तर पश्चिम में शिवसेना के रविंद्र वायकर इस वक्त आगे बढ़त के साथ बढ़ रहे हैं। नंदुरबार में बीजेपी की ही, ये महाराष्ट्र से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जलगांव की बात करें तो स्मिता वाघ कई वोटों से इस बार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रावेर में पंकजा मुंडे इस वक्त आगे हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रावेर में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। कोल्हापुर में कांग्रेस के शाहू महाराज इस वक्त आगे हैं। वही बात कर ले नागपुर में तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। नंदुरबार में बीजेपी की हिना गावित इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जलगांव में स्मिता वाघ, रावेर में रक्षा खट्टे इस वक्त आगे हैं। महाराष्ट्र में ये रुझान सामने आ रहे हैं। बीड में पंकजा मुंडे कई वोटों से आगे चल रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे इस वक्त आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में कई बड़े केंद्रीय मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। शिंदे 2,00,000 मतों से आगे चल रहे हैं। कल्याण सीट हॉट सीट मानी जाती है। वहीं केंद्रीय मंत्री भारती पवार, राव साहेब दानवे भी आगे चल रहे हैं, चुनावी मैदान में है। कपिल पाटिल कई वोटों से इस वक्त पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। बारामती लोकसभा सीट में सुप्रिया सुले 20,000 मतों से इस वक्त आगे हैं। वहीं अगर बात मुंबई दक्षिण महुल शिवाले पीछे चल रहे हैं, आ रहा है 48 लोकसभा सीटों पर जो काउंटिंग है वो चल रही है। ठाकरे के शिवसेना के अनिल जो हैं वो आगे चल रहे हैं। उत्तर पूर्व मुंबई में यूबीटी के संजय दीना पाटिल इस वक्त आगे हैं। ये महाराष्ट्र से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दक्षिण मुंबई में यूबीटी के अरविंद सावंत आगे चल रहे हैं। उत्तर मध्य मुंबई में बीजेपी के उज्ज्वल निकम आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। शुरुआती रुझानों में देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में ये बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। उत्तर पश्चिम में सिंधुदुर्ग में बीजेपी की हिना गावित कई वोटों से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ा अपडेट महाराष्ट्र को लेकर आपको बता रहे हैं। जलगांव में स्मिता वाघ, वहीं रावेर में रक्षा खड़से, बीड में पंकजा मुंडे आगे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उठा पटक देखने को मिलती है और जो दाव पेच खेले जाते हैं उससे कई केंद्रीय मंत्रियों को उसका फायदा बीजेपी को देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए नंदुरबार में भी बीजेपी की हिना गावित आगे हैं। वहीं अगर बात करें नितिन गडकरी की तो वो भी आगे नजर आ रहे हैं। जलगांव में स्मिता वाघ, रावेर में रक्षा खड़से आगे हैं। और ये जो आंकड़े हैं इनमें परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है। अगर अभी की स्थिति की बात करें तो एनडीए के खाते में 292 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। वह इंडिया गठबंधन के खाते में 228 और अन्य के खाते में 23 सीटें जा रही हैं। ये बड़ा अपडेट लगातार सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना की शुरुआत सुबह 8 बजे हो चुकी है और कड़े सुरक्षा के इंतजामों के बीच में ये मतगणना, आखिरकार ये फैसला होने वाला है कि आखिर 2024 की जो चाबी है वो किसके हाथ में जाने वाली है। क्योंकि लगातार जो चुनाव प्रचार था वो देखने को मिला, ये लंबा प्रोसेस था। क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान हुए थे, 1 जून को 7वें यानी कि अंतिम चरण के मतदान हुए, उसके बाद आज 4 जून की तारीख है, आज ये बड़ा फैसला होने वाला है।
इंडिया अलायंस के बीच का जो मुकाबला एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे थे उस हिसाब से एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आएगी, या फिर यूं कहें कि इंडिया अलायंस भी जिस तरीके से अभी का जो मुकाबला देखा जा रहा है इंडिया अलायंस भी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। तो अब ये समझना काफी मुश्किल होता जा रहा है कि एनडीए को बढ़त मिलेगी या जो इंडिया अलायंस के कई दिग्गज नेता हैं वो जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र का जो आंकड़ा था वो सामने आ चुका है, जो शुरुआती रुझान थे उसमें माना जा सकता है कि उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल कई वोटों से इस वक्त आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात उत्तर पश्चिम की करें तो शिवसेना से आगे चल रहे हैं, बीजेपी की हीना गावी भी आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट आपको लोकसभा चुनाव को लेकर बता रहे हैं, जलगांव से आगे नजर आ रही हैं। ये महाराष्ट्र के आंकड़े आपको बता रहे हैं, रावेर में रक्षा खट से, बीड़ में पंकजा मुंडे इस वक्त आगे हैं। चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां लगातार जिस तरीके से तब से लेकर अभी तक हम एक एक छोटा छोटा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो आंकड़ा है वो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए एनडीए को बढ़त मिल रही है 295 सीटों के साथ, वह इंडिया अलायंस के खाते में 223 सीटें हैं और अन्य के खाते में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही है।